हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं, पिजन कंपनी का ये इंडक्शन कुकर है, स्क्रीन टच वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं अभी। तो दोस्तों, इसमें अभी देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें वाइपर बार आई सी होती हैं, ये फटी हुई है। तो इसमें ये 22 ओम रेजिस्टेंस भी फटी हुई दिख रही है, जल्दी हुई दिख रही है यहाँ ये। तो दोस्तों, इसमें क्या 22 ओम रेजिस्टेंस, ये आईसी क्यों जलती है, या वोल्टेज ज़्यादा आने से ये कैपेसिटर भी खराब हो जाता है। कैपेसिटर फटा हुआ होता है या रेजिस्टेंस आईसी जाने का कारण वोल्टेज ज़्यादा आना होता है 90%, पर इसमें कैपेसिटर फटा हुआ भी नहीं है। तो ये इंडक्शन फैन खराब हो जाता है, या फैन खराब होने से ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होता है 8050, ये खराब होता तो भी आईसी फट जाती है, या वोल्टेज ज़्यादा आने से भी आईसी फट जाती है। तो दोस्तों, मीटर से अब चेक करना है इसको, ये भी इस मीटर को बीप वाले निशान पे ले जाएं, यहाँ बीप आएगी, ये बीप आ रही है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस ये सही होती है तो बीप आते हैं, इसमें बीप बीप कुछ नहीं आ रही है, आईसी मीटर से चेक होती नहीं है। फिर दोस्तों, फ्यूज चेक कर लें, आगे तो फॉल्ट नहीं है, ये फ्यूज में बीप आ रही है तो फ्यूज सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मॉस्फेट ये होते हैं, मॉस्फेट खराब होता है तो बीप आती है, पर मॉस्फेट खराब होता तो ये फ्यूज जल जाता है। फ्यूज इसका सही है तो मॉस्फेट सही है। मॉस्फेट लगा होता है इनमें 15N 120 लगा सकते हैं, और 25N 120 भी लगा सकते हैं। 25N 120 ज़्यादा वाट का होता है, मजबूत। तो दोस्तों, फिर यहाँ डायोड चेक कर लें, डायोड होते हैं, डायोड अगर ख़राब हो तो इसमें हॉर्न आता है, बीप की आवाज़ आएगी। डायोड एकदम सही है। तो दोस्तों, ये आईसी है, ये जिंदर डायोड होता है काला वाला, यहाँ आईसी के पास में। तो यहाँ जिंदर डायोड दोस्तों, यहाँ पे 16 वोल्ट लिखे, 18 वोल्ट का आता है, यहाँ पे 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं और 18 वोल्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर यह जिंदर आईसी जल्दी, जब जिंदर डायोड चला जाता है, पर इसमें बीप सी आवाज़ आती है जिंदर ख़राब होता है, जब जिंदर डायोड, ये जिंदर डायोड सही है, इसमें आईसी खराब है और ये रेजिस्टेंस खराब है, ये वोल्टेज ज़्यादा आने से भी ख़राब हो जाती है और ये ट्रांजिस्टर खराब होने से भी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, हम आप